मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश भर में एसडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात किया गया है। 60 अन्य टीमों ने भी विभिन्न स्थानों पर मोर्चा संभाल लिया। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। दो टीमें 24 घंटे बैकअप के लिए रखी गई। राव शफात अली बने हुए मेरे साथ लगातार। राव शफात, मानसून को देखते हुए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें और किसी भी आपदा से बचने के लिए तैयारियों को आखिरी रूप भी दिया जा रहा है। क्या तैयारियां हैं इस बार प्रशासन और सरकार की तरफ से? कैसे मानसून के वक्त ख्याल रखा जाएगा कि 24 घंटे बैकअप भी मिले लोगों को? देखिए, मानसून तो आ चुका है, दस्तक हो चुकी है और लगातार, हालांकि 3 दिन से बारिश हो रही है। उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी बारिश है, मैदानी इलाकों में भी बारिश है, लेकिन मानसून हमेशा से मुश्किलें लेकर के आता है, मुसीबत लेकर के आता है, खासकर उत्तराखंड के लिए। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बाधित हो जाते हैं, चारधाम यात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी बाधित हो जाती है। राज्य सरकार तैयारी जरूर करती है, उससे पहले ही दिशा निर्देश दिया जाता है, जो स्थानीय प्रशासन है उसको निर्देशित किया जाता है, लेकिन हालात सुधरते नहीं है। हर वर्ष जब भी मानसून आता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी कल ही की अगर तस्वीरें सबने देखी कि हरिद्वार में जिस तरह से बारिश हुई और ऊपरी इलाकों में बारिश हुई, जो गंगा का जलस्तर है वो थोड़ा बड़ा, सूखी नदी में जो वाहन खड़े हुए थे पार्किंग के लिए वो बह गए, करीब 10 लग्जरी गाड़ी थी जो गंगा में बहती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब इसके लिए क्योंकि बड़े पैमाने पर तैयारी की जाती है, तो जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां 15 टीमें हमेशा डेप्यूट रहेंगी, वो एसडीआरएफ की टीम है। एसडीआरएफ की जो टीम है कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है, देवदूत माना जाता है एसडीएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम को। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, तो इसी से बहुत उम्मीद है। तो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो 15 टीमें अलग अलग जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील पॉइंट है उन पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जो सब टीमें हैं करीब 60 बनाई गई है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह से घटनाएं आती हैं। जब बारिश होती है मार्ग बाधित होते हैं, मलबा नीचे सड़क पर गिर जाता है, उसको खोलने के लिए बड़ा समय लग जाता है, या फिर कोई घटना भी हो सकती है, तो एसडीआरएफ के साथ जो पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं उसकी जेसीबी उन पॉइंट्स पर भी तैनात किए जाएंगे। राव शफात, हर बार तैयारियां की जाती हैं, हर बार कोशिश भी की जाती है कि इस वक्त में लोगों को मुसीबत से, परेशानियों से बचाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद लोगों को परेशानी होती है जब मानसून आती है इन इलाकों में। उत्तराखंड जैसे राज्य में तो ये वक्त और भी ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो क्या तैयारियों में कोई कमी रह जाती है या फिर ये मौसम वाकई इतना दुश्वार होता है कि इससे बचना मुश्किल है, यहाँ पर लोगों को परेशानी होना लाजमी? क्योंकि जब मानसून आता है तो मुश्किलें तो होती हैं, और क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, अलग अलग इसके रीजन है, अलग अलग इसके कारण है। देखिए, बहुत जगह तो ऐसी है जहाँ नदी नालों को भर करके, मिट्टी भर करके वहाँ अवैध तरीके से निर्माण कर दिया जाता है, जो पानी जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, और जब पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो उसके पीछे की तरफ जो लोग रहते हैं उनके मकानों में, घरों में, दुकानों में पानी चला जाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो लापरवाही होती है देखिए आम जनता की, क्योंकि इस तरह से जो पानी का रास्ता है, नदियों का रास्ता है, नालों का रास्ता है, उसको रोक करके उस पर अतिक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और प्रशासन की भी कमी रहती है। अब देखिए, मानसून सर पर है लेकिन अभी भी ड्रेनेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको साफ सफाई करने का जो काम है अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि बारिश और बरसात सर पर है, तबाही मचाने के हर वर्ष देखा कि इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन अभी भी ड्रेनेज सिस्टम शहरी क्षेत्रों का नहीं सुधरा है। इसके साथ जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं, यानी पर्वतीय इलाकों की जो बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ता है, और जो जल स्तर बढ़ता है नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से बहुत पुख्ता नहीं की जाती कि उनको बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि अपील जरूर की जाती है कि बारिश है और नदियों का जलस्तर बढ़ा है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, लेकिन सुरक्षित स्थान इतने पर्याप्त नहीं होते कि उन सभी फैमिली परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। तो ये तमाम लापरवाहियां नजर आती हैं विभागों की ओर से भी, स्थानीय प्रशासन की ओर से भी और जनता की ओर से। शुक्रिया राव शफात, आपका जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।